हेलो दोस्तों, मैं इस वीडियो में आपको एलईडी झालर बनाना सिखाऊंगा। इसके लिए मैंने 5 mm के RGB एलईडी का यूज़ किया है। 5 mm एलईडी मैंने यूज़ किया है। और मल्टी स्ट्रेंथ वायर यूज़ किए हैं। ये मैंने ऑलरेडी पहले से ही काट के रखे हैं, 10-10 इंच के, और पहले से ही छील के रखे हैं। ये वायर मैंने ऑनलाइन एलईडी झालर का जो सामान मिलता है उनसे लिए हैं। 900 फीट का पूरा बंडल आता है, 300 रुपये का। और जो 5 mm एलईडी है वो मैंने इंडिया मार्ट से लिए है, 1100 रुपये का एक पैकेट आता है, उसमें 1000 एलईडी के पीस रहते हैं। और ये मैंने कैप होल्डर कैप और कैप होल्डर लिए है, इसका भी 300 रुपये का 1000 पीस का पैकेट आता है। इसके साथ जो कैप और होल्डर दोनों भी एक साथ आते हैं। मैं इसमें RGB एलईडी का यूज़ कर रहा हूँ। आप चाहिए तो रेड या ग्रीन या फिर RG या फिर RB एलईडी का यूज़ कर सकते हैं। पहले मैंने एक सिंगल वायर लिया, इस वायर को मैं एक कार्ड बांध देता हूँ कि मुझे एक आइडेंटिफाई होने के लिए कि ये पॉजिटिव टर्मिनल है। तो पहले एलईडी का पॉजिटिव वायर रहेगा और दूसरे एलईडी के नेगेटिव को कनेक्ट होगा। सेम इसी तरीके से आपको 50 एलईडी को का कनेक्शन करना होगा सीरीज में। पहले मैं वायर को ओनली ट्विस्ट करके कनेक्ट कर रहा हूँ, उसके बाद सभी को एक साथ मैं सोल्डर करूँगा। देखो, इसी तरह से आप सभी एलईडी को सीरीज में कनेक्ट करें। और जो लास्ट एलईडी रहेगा उसका जो नेगेटिव टर्मिनल रहेगा वो अपने सर्किट को जाएगा। उसके लिए आपको एक बड़ा वायर लगेगा जो डायरेक्ट
सर्किट से जो लास्ट वाला एलईडी है उसके नेगेटिव में टर्मिनल को कनेक्ट होगा। ये देखो अभी ये इसका लास्ट एलईडी है झालर का, तो जो इसका नेगेटिव वाला ये जो टर्मिनल रहेगा वो सर्किट के नेगेटिव में कनेक्ट होगा, और जो पॉजिटिव टर्मिनल रहेगा सर्किट का जो अपना स्टार्ट जो अपन ने स्टार्ट किया था फर्स्ट वाला एलईडी उसका जो पॉजिटिव है वो सर्किट को कनेक्ट होगा, और जो लास्ट वाला नेगेटिव है जो एलईडी का वो सर्किट के नेगेटिव में कनेक्ट होगा। अभी आप इसे सोल्डर करना स्टार्ट कर सकते हैं। ये देखो ये मैंने 50 एलईडी को पूरा सीरीज में कनेक्ट किया है। और जो मेरा फर्स्ट एलईडी है उसको मैंने पॉजिटिव वायर को गार्ड बांध के रखा है। अभी मैं सभी एलईडी को वन बाय वन सोल्डर कर रहा हूँ। सोल्डर करते समय एक बात का ध्यान रखना कि एलईडी का पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल शॉर्ट नहीं होना चाहिए, इससे आपका एलईडी डैमेज हो सकता है। सभी एलईडी को मैं वन बाय वन सोल्डर करता हूँ, वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो जाए इसके लिए मैं फास्ट फॉरवर्ड करता हूँ। ये देखो सभी एलईडी को मैंने अच्छे से सोल्डर कर दिया है।
अभी सभी एलईडी का जो एक्स्ट्रा लीड है उसको कट कर देंगे। उसके बाद सभी एलईडी को आपको एक नॉच बांधना है ताकि वो कैप होल्डर से बाहर ना आ जाए। इस हिसाब से एलईडी अंदर ही फंसा रहेगा। तब एलईडी को आपको नॉच बांधना है। और एक बार नॉच बांधने के बाद आपको जो कैप है वो उसको फिट करना होगा। इस हिसाब से
ये देखो इस तरह से मैंने कुछ कनेक्शन किया है, ये मेरा डायरेक्ट 230 में जाएगा। और यहाँ पे जो एलईडी झालर का जो पहला वाला एलईडी है उसका पॉजिटिव मैंने यहाँ पे कनेक्ट कर दिया है इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर के पॉजिटिव में, और जो लास्ट वाला एलईडी है उसका जो नेगेटिव पिन है वो डायरेक्ट मैंने इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर के नेगेटिव टर्मिनल को कनेक्ट किया है।